नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय गांव खानपुर में हम मौजूद हैं और जहां पर सभी के सभी गांव वालों ने एकत्रित होकर नगर खेड़े को प्रसन्न करने को काम किया है और या कहें कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने का काम किया है। जी हां, आज यहां पर नगर खेड़ा जो है खेड़े को याद किया जाता है। रविवार का दिन जो है माना जाता है कि ये खेड़े को रविवार के दिन जो है याद किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर हवन वगैरह करके यहाँ पर पूरा का पूरा गांव एकता का परिचय देते हुए, एकता दिखाते हुए यहाँ पर आज पूरा गांव इकट्ठा होकर के भंडारा लगाता है और किस तरीके से इंद्रदेव को प्रसन्न करने का काम करते हैं। तो पूरा गांव आज यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर खाना पका रही हैं, कोई यहाँ पर बर्तन धो रहा है, कोई पूरी बेल रही है और कोई यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से पूरा गांव, जी निके निके बच्चे भी यहाँ पर जिस तरीके से बोल रहे कि यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, और जिससे पता चलता है कि पूरा गाँव किस तरीके से एक होकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने में लगा हुआ है कि जिस तरीके से गर्मी से थोड़ी कहीं राहत मिल सके। इस समय हम सेवादारों से बातचीत करना चाहेंगे। नाम आपका क्या है? दलविंदर जी। दलविंदर जी, आज किस तरीके से आज आपने भंडारे का आयोजन किया है? भंडारे का आयोजन ऐसे किया है जी, ऐसा ही भंडारा हम 8 साल पहले लगाए करते थे। 8 साल के हर साल लगाते हैं, लेकिन 8 साल से कोई नहीं लगा था, 8 साल के बाद अब लगा है। अच्छा, ये इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। जी जी, ठीक है जी। तो आप गर्मी से राहत दिलवाने के लिए गांव खानपुर के जो वासी हैं, जो गांव खानपुर के लोग हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर के आज भंडारा लगाया। नाम आपका क्या है? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? समस्त गाँव की तरफ से। समस्त गाँव की तरफ से जी। तो हर साल लगाते हो? नहीं, 8 साल तो नहीं, 8 साल बाद। 8 साल बाद लगाया गया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से आज भंडारे का आयोजन किया गया। गांव खानपुर में हम इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हो किस तरीके से यहां पर हलवाई लगे हुए हैं, उस तरफ महिलाएं हैं जो पूरी बेलने का काम कर रही हैं, और कि पूरा का पूरा गांव में फिलहाल इस भंडारे से खुशी की लहर दौड़ रही है कि पूरा का पूरा गाँव किस तरीके से आज एक हुआ है। कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए और जिससे समाज मजबूत रहे। अभी हम सेवादार से बातचीत करना चाहेंगे कि यहाँ पर हर वर्ग के नौजवान, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। कब से सेवा कर रहे हो आप? सुबह से। सुबह से कितने बजे लगे थे? सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे लगे थे? हाँ जी। पूरा गाँव की तरफ से। पूरा गाँव की तरफ से जी। आप? हम भी सुबह लगे थे 7 बजे। पूरा का पूरा गांव लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए इसकी हां जी, जो तो कह रहे थे कि सुबह लगे थे 6 बजे तक। 6 बजे से बहुत बढ़िया। आप जी? हम भी जी सुबह 5 बजे आ गए थे जी यहां पे, और अब लग रहे हैं सेवा में जी। हम तो 12 बजे आए हैं जी, तब तक खड़े हो जी।